ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास है हाइपरलिंक। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारे पास एक ऑप्शन है, ठीक है। हाइपरलिंक में क्या होता है कि जैसे आप वेबसाइट पर जाते हैं तो किसी टेक्स्ट के ऊपर जब आप माउस लेकर जाते हैं, जैसे मैं यहाँ पर वेबसाइट ओपन कर देता हूँ, तो यहाँ पर गूगल पर आते हैं, गूगल पर सर्च कर लेते हैं जी MS O5C, ठीक है। MS ऑफिस मैंने सर्च किया। अब देखिएगा यहाँ पर जब मैं माउस यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ तो कुछ भी इस पर असर नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन जब इस पर आ रहा हूँ तो ये हाथ बना हुआ आ रहा है, ठीक है। मीन के इसके पीछे कोई लिंक है, कोई पेज पड़ा हुआ है। तो इसी तरह अगर हम वर्ड के अंदर चाहते हैं कि यहाँ पर हम हाइपर लिंक लगाएं इस लाइक के ऊपर या होम के ऊपर, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम हाइपर लिंक को क्लिक करेंगे। ये हमने हाइपर लिंक को क्लिक किया तो यहाँ पर आप अपने कंप्यूटर में से भी किसी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंप्यूटर में भी हम फाइल कोई सर्च कर सकते हैं, या ये वाला जो हमारे पास एक इमेज है इसको हम दे लेते हैं, इसको हमने सिलेक्ट कर दिया और ओके का बटन हमने प्रेस कर दिया। तो ये हमारे कंप्यूटर में ही इमेज ये सिलेक्ट हो चुका है, हाइपरलिंक लग चुका है। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमें शिफ्ट का बटन प्रेस करना पड़ेगा, शिफ्ट का नहीं ये कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे और इसको क्लिक करेंगे तो हमारी ये जो पिक्चर है या जो भी हमने डॉक्यूमेंट लगाया था वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर किसी वेबसाइट का लिंक लगाना चाहता हूँ तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, हाइपरलिंक को क्लिक करूंगा, ठीक है। और यहाँ पर हम वेब पेज का लिंक लगाएंगे, यहाँ पर हम एड्रेस लिखेंगे, ये मैं लिख देता हूँ www.google.com, ठीक है। ये मैंने ओके कर दिया इसे। अब मैं इसको जब क्लिक करूंगा कंट्रोल और अपने लेफ्ट क्लिक करना है माउस से, तो हमारी साइट ओपन हो जाएगी गूगल की। तो अभी ये पूछ रहा है कि किस में हमने ओपन करना है, हमने इसी में ओपन करना है जी, ओके करें। तो ये हमारी गूगल की साइट यहाँ पर ओपन हो चुकी है। आप कोई भी साइट का लिंक यहाँ पर दे सकते हैं।